अगर आपको कब्ज का मसला है, आपको अक्सर आपका पेट भरा भरा फील होता है, आपको आपके बैली में पेन फील होता है, आप इसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, ना सिर्फ कब्ज बल्कि आप में इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो चुकी है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस की डिफरेंट वजूहत होती है, आपका वजन बढ़ने की वजह से समटाइम्स वो हो जाती है, डायबिटीज के पेशेंट्स में भी हो जाती है, और इसके अलावा खवातीन में एक बीमारी होती है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोला जाता है, उसमें भी इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। इन लोगों के साथ साथ वो लोग जिनका मीठा खाने को बार बार दिल करता है, और वो लोग भी जिनके स्किन हेयर नेल्स अच्छी कंडीशन में नहीं है, डिफरेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से उनकी वो एक अनहेल्दी कंडीशन में चले गए और भी बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज के रिस्क पर है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए, आप अगर सारी चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अंजीर की अफादियत के हवाले से। अंजीर के बहुत सारे फायदे हैं, अंजीर को कैसे, इतना और कब इस्तेमाल करना चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब सबसे पहली चीज जो है, जब भी हम अंजीर की बात करते हैं, अंजीर का नाम आता है तो हमारे जहन में पहली चीज जो आती है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज, कि इसको माना जाता है कि कब्ज के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अब इसके लिए आपने करना क्या है, रात को 2 अंजीर भिगो के रखे, सुबह उठ के खा लें और पानी फेंक दे, पानी को आपने यूज नहीं करना। तो बेसिकली कब्ज को, अंजीर का इस्तेमाल अगर आप रोजाना करते हैं, मुसलसल करते हैं, तो ये उसको कम करता है, उसको रिजॉल्व करने में आपकी मदद करता है। लेकिन इसके अलावा भी अंजीर के और बहुत सारे फायदे हैं। अगर मैं मजीद फायदे की बात करूं तो ये फाइबर रिच भी होती है, मतलब कि इसमें जो फाइबर है वो भी बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। फाइबर जो है अब आपकी ना सिर्फ कब्ज के लिए अच्छा है, कब्ज के मरीजों को लेना चाहिए, बल्कि ये आपकी जो दिल की सेहत है, दिल से मुतालिक जो मसाइल है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ गए हुए हैं तो उसको कम करने में आपकी मदद करता है। उसके साथ साथ जिन लोगों में ब्लड प्रेशर का मसला है, जिन लोगों का बीपी अक्सर बढ़ा हुआ होता है, तो अंजीर का इस्तेमाल उन लोगों में भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिसमें फाइबर मौजूद है, बेसिकली इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ये फाइबर काम करता है। अगर मजीद अंजीर के फवायद की बात करें तो वो लोग जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो अंजीर का इस्तेमाल इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करता है। यानी कि अगर किसी को डायबिटीज का मसला है, शुगर का मसला है, या खवातीन में एक डिजीज होती है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोला जाता है वो है, या किसी का वेट बहुत ज्यादा है कि उनमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई होती है, तो अंजीर के मुसलसल इस्तेमाल से ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये बेहतर हो जाती है। इसके अलावा अगर अंजीर को आप देखें तो इसमें सिलीनियम, सिलीनियम एक मिनरल है, वो बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। सिलीनियम की अगर हम मजीद बात करें तो इसके हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में बहुत सारे रोल होते हैं। अब वो लोग जिनको अक्सर स्वीट्स की बहुत क्रेविंग्स होती है, उनका बार बार मीठा खाने को दिल कर रहा होता है, उनके मतलब क्या है कि उनसे कंट्रोल नहीं होता, वो स्वीट्स को देख के ना उन्होंने खाना ही खाना होता है, या उनका बार बार दिल कर रहा होता है कि कुछ मीठा है और हम खाए, तो ये जो क्रेविंग्स होती है ना स्वीट्स की बार बार, ये आपने सिलीनियम या क्रोमियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब ये लोग जिनमें स्वीट्स की क्रेविंग्स होती है, ये लोग अगर अंजीर का इस्तेमाल करेंगे तो इनमें जो सिलीनियम की डेफिशिएंसी के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। जब सिलीनियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो इनमें जो स्वीट्स की क्रेविंग्स है वो भी खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाती है। अब इसके अलावा ये मजीद आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। अंजीर बालों के लिए क्यों अच्छी है, क्योंकि ये जिंक का भी बहुत अच्छा सोर्स है, बालों के साथ साथ ये आपके स्किन, आपके नेल्स के लिए भी बहुत अच्छी है। मतलब तीनों चीजों के लिए ना अंजीर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। जो लोग बाकायदगी से अंजीर यानी कि फिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनके स्किन, बाल, नेल्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं। इसके अलावा जिंक जो है वो आपकी कुव्वत मदाफत के लिए भी बहुत अच्छा है, उसको भी बूस्ट करने में, बिल्ड करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा अंजीर में मौजूद कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी से गैर जरूरी मादों को निकालते हैं, आपके जिस्म से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं, और अंजीर का इस्तेमाल से आपको जो कैंसर के चांसेस होते हैं ना आप में, वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। ना सिर्फ कैंसर बल्कि और भी बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती हैं, बहुत सारी क्रोनिक डिजीज होते हैं जैसे कि डायबिटीज वगैरह, तो उनके चांसेस भी काफी हद तक कम हो जाते हैं, निस्बतन कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं मजीद इसकी बात करूं, इसके फवायद की बात करूं, इसके गजाई की बात करूं, तो अंजीर के अंदर बी विटामिन, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई भी मौजूद होते हैं। विटामिन ए जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स में भी इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। अगर मजीद बात करें तो अंजीर के बारे में बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन भी हैं, बहुत सारी मिथ्स भी हैं, लेकिन उनके भी हर रीजन यही है कि जब आप किसी भी चीज़ को जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या जितनी मिकदार आपको बताई जाती है आप उतनी अगर इस्तेमाल नहीं करते तो फिर
फिर आपको फवायद की बजाय नुकसानात होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह सिर्फ यही है, अदरवाइज अंजीर के कोई नुकसानात नहीं है अगर आप इसको मुतवाजन तरीके से एक मुतवाजन अमाउंट में लेते हैं। तो अब आप दिन में कितनी अंजीर खा सकते हैं, एक दिन में आप 2 से ज्यादा अंजीर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सिर्फ 2 खा सकते हैं। और उसको भी खाने का सही तरीका यही है कि आप रात को 2 अंजीर पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उठ के वो 2 अंजीर निकाल के आप खा लें। क्योंकि आपने हमेशा जब भी आपको कोई चीज रिकमेंड की जाए तो मॉडरेशन वर्ड को माइंड में रखना होता है। अब वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर का मसला है, वो बीपी की मेडिकेशन पर है, कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो वो लोग अंजीर का इस्तेमाल खुद से ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट एक बार जरूर कर लें, उनके लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।